अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। मैंने एक और चीज देखी कि एमबीसी के अंदर डेटा जब हम भेजते थे तो किस तरह भेजते थे। मैं जरा सा इसको साफ कर लेता हूँ, खासतौर पर हमारी यूआई लेयर। मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस बना के एग्जांपल समझाता हूँ कि क्योंकि हमारे पास एमवीसी के अंदर हम क्योंकि एमवीसी नहीं पढ़े यहाँ पे, एमवीसी के अंदर हमने गेट पोस्ट के मेथड्स देखे थे वो किस तरह काम करते थे। हम उस आर्किटेक्चर को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास अभी तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, क्लियर, तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और इन तीन टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम भी मैं समझा देता हूँ कि वो किस तरह नेमिंग कन्वेंशन मैंने रखी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं जरा सफाई कर लूँ। मेरे ख्याल से अब लेयर समझ आ रही है कि कौन सी लेयर है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। ये भी समझ आ गया कि हम पिछली टेक्नोलॉजी कौन किस पे काम कर रहे थे। अच्छा, मैं अभी फिलहाल ये ज़ूम कर रहा हूँ कि आप एमवीसी यूज कर रहे हैं और आपका ये व्यू है, ठीक है, और व्यू के अंदर आपने तीन टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं। अब ये पता है कि व्यू जो एमवीसी का व्यू होता है वो HTML पे बना होता है, HTML CSS पे बना हुआ है, मतलब एलिमेंट्री जो लैंग्वेज है वो बता रहा हूँ आपको मैं। आपका जो बना हुआ है वो HTML, बेसिकली मैं बात करूँ तो HTML के एलिमेंट्स पे ये पूरा फाउंडेशन खड़ी होती है इसकी, इस व्यू की। और यहाँ पे आपके कंट्रोलर लेयर में आपके दो मेथड होते हैं हम जो अमूमन यूज करते हैं, एक गेट और एक पोस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब टेक्स्ट बॉक्सेस में किसको बोल रहा हूँ, इनपुट के टैग को हम टेक्स्ट बॉक्स बोल रहे होते हैं HTML के अंदर जो यूज करते हैं। अच्छा, एक सिंपल से हमने तीन टेक्स्ट बॉक्स लगा लिए, हमने उसमें भी कोई खास चीज नहीं किया, लेकिन हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर जो डेटा पड़ा होता, लेट सपोज टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर डेटा पड़ा होता 1 2 3, टेक्स्ट बॉक्स टू के अंदर डेटा पड़ा हुआ था 3 4 5 एंड टेक्स्ट बॉक्स थ्री के अंदर डेटा पड़ा हुआ था XYZ, ठीक है। तो जो ये डेटा पड़ा हुआ है ये हम डेटा उठा के पोस्ट करते हैं। अब वो किस तरह करते थे वो भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। हम उसके पहले हम एक टैग लगाते थे फॉर्म का टैग, ठीक है, जो बेसिकली ये काम खुद करके दे रहा था। अगर हम एजेस की कॉल यूज नहीं कर रहे तो ये हमारा फॉर्म का टैग खुद ये काम हैंडल करता था कि आपका जो भी रिक्वेस्ट डेटा पोस्ट करना है, डेटा पोस्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो हम खास इस्तेमाल करते थे, लाइक एक्शन, कि किस एक्शन के ऊपर ये डेटा पोस्ट करना है, ठीक है, मेथड, किस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक गेट है या पोस्ट है, ठीक है, मेथड टाइप क्या है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी वो क्या होती थी कि आपका डेटा टाइप क्या है, आप किस कंटेंट टाइप क्या है, आपका इंटरनेट मीडिया टाइप क्या है, आप किस तरह का डेटा इसमें पास करेंगे। तो मैं फिलहाल इसको डेटा टाइप कह रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो हम मेंशन करते थे फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन एक सवाल है मेरा, लेट सपोज आपके पास एक पोस्ट का मेथड है जिसके अंदर ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें आपके ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उठ के आते हैं। इसी तरह आपके पास एक और ओवरलोडेड कह लें या एक और मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त में आप एक इस्तेमाल करेंगे, कमेंट करके इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं एक और अप्रोच होती है कि मैं एबीसी नाम के तीन वेरिएबल बना लूँ, लेट सपोज स्ट्रिंग के तीन वेरिएबल हैं जो मेरे पास पैरामीटर में खड़े हुए हैं। अब अगर और ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है ये भी कोई क्लास होगी, लेट सपोज एबीसी नाम की कोई क्लास है, उसके अंदर भी तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी और सी, ठीक है, मतलब एक क्लास है एबीसी के नाम की और उसके अंदर भी तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए बी एंड सी। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल देके खाली समझा रहा हूँ। और इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना जो ओबीजे नाम का पैरामीटर पास हो रहा है। और मैं एक और मैंने पोस्ट का मेथड बनाया जो मैं फिलहाल इसको ऊपर वाले को कमेंट कर दूंगा और नीचे वाले को हेड मतलब अनकमेंट करके, इसके अंदर तीन अलग अलग वेरिएबल हैं स्ट्रिंग के जो आपके पास पैरामीटर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब एक सवाल है कि किस तरह एमवीसी इस बात को टैकल करता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स वन का डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स वो प्रॉपर्टी ए में बाइंड करना, क्योंकि ये तीनों डेटा जो है वो उठ के आपके कहाँ जा रहे हैं, आपके पास पोस्ट के मेथड पे जा रहे हैं ना,
अब पोस्ट का मेथड, अभी मैं फिलहाल बात करता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला पोस्ट का मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो किस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू उससे बाइंड करता है। लेट सपोज आप बात कर लें कि टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू आप ए वेरिएबल से बाइंड करेगा, बी की टू की बी से, और टेक्स्ट बॉक्स थ्री की सी से, ठीक है। अब इसको कैसे पता कि मैं टेक्स्ट बॉक्स बी का डेटा, टू का डेटा बी में डालूंगा और थ्री का डेटा सी में डालूंगा। तो हम इनपुट के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है नेम का एट्रीब्यूट, हम वो इसलिए डिफाइन करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठ के जो भी पैरामीटर ए होगा उसमें जाएगी, ठीक है। मेरी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है कि टेक्स्ट बॉक्स जो ये इनपुट लग रहा है, इस इनपुट का डेटा जो भी नेम के एट्रीब्यूट है इसके नाम का एक वेरिएबल बनेगा, और इस नाम का वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा होगा पैरामीटर के अंदर जहां पे भी आपने ये फॉर्म पोस्ट कराया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से इसमें मिटाया था, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया कि फॉर्म के अंदर तीन चीजें जरूरी होती हैं। फॉर्म के अंदर नहीं, बेसिकली कोई भी रिक्वेस्ट पोस्ट करने के लिए हम आगे भी देखेंगे कि ये तीन चीजें जरूरी होती हैं पोस्ट करने के लिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हिट करने के लिए। खैर, अभी मैंने देख लिया कि मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम मैंने ए रख लिया, एक और मैंने इनपुट का टैग लगाया जिसका नाम मैं फिलहाल बी रख रहा हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल टाइप डिफाइन नहीं कर रहा, मैं फिलहाल सपोज कर रहा हूँ कि ये टाइप टेक्स्ट ही है, तो ये आप भी अज्यूम कर सकते हैं ताकि मैं बात को क्लियर कर सकूं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए ए बी सी नाम के। तो जो ये नेम का एट्रीब्यूट है ये डिफाइन कर रहा है कि इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस प्रॉपर्टी में जाके उतरेगी। तो ये बात तो समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहला वाला पोस्ट का तरीका है ये वाला, तो इसके अंदर तो हमारे पास आज तक एम बी सी में उतरते हुए आया है। लेकिन क्या अगर मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ तो भी डेटा उतरेगा, और ए में ही, बी का बी में ही, और सी का सी में ही उतरेगा? तो जवाब ये है कि हाँ बिल्कुल उतरेगा। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम डेटा पोस्ट करते हैं तो डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन या एक्सएमएल जा रहा होता है, और इन दोनों तरीकों के अंदर मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ कि किस तरह डेटा जा रहा होता है। डेटा एटीट्यूड के हिसाब से जा रहा होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं जेसन का एक ऑब्जेक्ट बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह ऑब्जेक्ट पास होके इसमें जा रहा होता है पोस्ट की रिक्वेस्ट में। अगर मेरा पेस आगे पीछे जा रहा हो तो बर्दाश्त है ताकि मैं इसको ओवरकम कर सकूं या इसको चेंज कर सकूं। तो इस तरह का एक जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो आपके पोस्ट की बॉडी में जा रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम जो है वो सारे इनपुट के नेम के एट्रीब्यूट से मैच हो गए, और उस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बन गई। लेट सपोज ए टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा था वो बी में, ए में चला गया, बी का जो था वो बी के वेरिएबल में चला गया, और सी का सी में चला गया, और ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका पोस्ट में जाता है। अच्छा, पोस्ट में जाने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ये ढूंढता है कि मेरे पास इन्हीं नाम के वेरिएबल्स आपके पोस्ट में मिल जाए। अगर पोस्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट और पैरामीटर में आपने इस्तेमाल किया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस क्लास के अंदर जाके ये तीन पैरामीटर्स ढूंढता है। अगर सेम नेम की मिल जाए तो मोस्ट वेलकम, नहीं हो तो वो जो मिल जाते हैं वो खाली उन्हीं को मैप कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज आपके क्लास के अंदर ए बी सी थे ना, तो अब खाली ए बी है, आपने सी को लेट सपोज मिटा दिया, एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, आपने सी को काट दिया। तो अब अगर हम यही सेम डेटा पोस्ट करेंगे तो ए बी में चले जाएगा, सी में नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कहानी क्लियर है कि एम बी सी किस तरह डेटा भेजता है और हम उसको किस तरह गेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगेन फिर हम ये इसको जो है वो जो डेटा हमारे पास आ जाता है कंट्रोलर में, हम उससे जो है वो आपकी डेटा एक्सेस लेयर हिट करते हैं, अगेन वो डेटाबेस को हिट करता है, वो डेटा जाके स्टोर करा देता है। अच्छा, गेट का क्या काम है? क्योंकि हम हर एक्शन का गेट भी बनाते थे एम बी सी के अंदर, तो वहां जरूरत क्या थी कि गेट का काम क्या था कि रेंडर करना पेज को, ठीक है, व्यू को रेंडर करना, रेंडर बोले तो क्रिएट करना, बनाना, उठा के लाना, ये सारे मतलब थे आपके गेट के काम। गेट की व्यू को बेसिकली हम जो रिटर्न व्यू करते थे वो एक्चुअल में ये काम करता था कि उस नाम का, उस एक्शन के नेम का एक व्यू जाके ढूंढता था व्यू के फोल्डर में, कंट्रोलर के फोल्डर में, जिस नाम का
कंट्रोलर के नाम का एक फोल्डर होता था, फिर उसके अंदर जाके सेम नेम का, सेम एक्शन नेम का व्यू ढूंढता था, उस व्यू को उठाता था। अगर आपने रिटर्न व्यू के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास किया हुआ या लिस्ट पास की हुई है, उस लिस्ट को उस व्यू के अंदर जाके कंबाइन करता था, पेस्ट करता था जहां जहां उसको जरूरत है, जो आपका रिजल्ट इंजन बेसिकली काम कर रहा होता था। फिर एट द एंड आपका एक पूरा एचटीएमएल सीएसएस के मतलब एक आपका व्यू क्रिएट हो जाता था, आप उस व्यू को उठा के ब्राउजर में फेंकते थे और आपका व्यू दिखने लग जाता था। तो गेट हम इसलिए भी इस्तेमाल करते थे, और इसलिए भी इस्तेमाल करते थे कि हम डेटा भिजवाएं। लेकिन